माइनक्राफ्ट वर्सेस गरीना फ्री फायर। देखो ये दोनों गेम अलग अलग है, माइनक्राफ्ट बैटल रॉयल गेम नहीं है, लेकिन हाँ फ्री फायर बैटल रॉयल गेम है। इनमें काफी अलग चीज है, माइनक्राफ्ट में काफी अलग चीज है जो कि फ्री फायर से बिल्कुल सिमिलर नहीं है, लेकिन आज के इस वीडियो में फिर भी हम इसको कंपेयर करेंगे। बहुत सारे ऐसे कंपेरिजन लिस्ट है जिससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। मेरे को पता है भाई आप सोच रहे हो भाई दोनों गेम कितने अलग है, इसको कंपेयर करने का मतलब ही नहीं बनता है ना। कंपेयर करना है तो सीओडी, पबजी, पबजी, फ्री फायर इसको करो ना, ये माइनक्राफ्ट और इसको क्या कंपेयर करो। मगर हाँ आज के इस वीडियो को एंड तक देखो, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको लगेगा हाँ भाई कंपैरिजन तो सही था। मेरे को ना माइनक्राफ्ट के बारे में बहुत सारी नॉलेज है लेकिन मेरे को खेलना नहीं आता। तो भाई ये विद मनीष चैनल है, इसको जाके सब्सक्राइब कर लेना। और भाई मेरे को बताओ यार कि माइनक्राफ्ट खेलते कैसे, नॉलेज तो मेरे को है लेकिन मेरे को खेलना नहीं आ रहा, तो प्लीज मुझे बताना। और अगर आप रोस्टिंग देखना चाहते हो मतलब फन एंटरटेनमेंट, तो इस मिस्टर मनीष चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। व्लॉगिंग देखना चाहते हो तो व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और अगर आपको फ्री फायर के कंटेंट या फिर कोई अलग नॉलेजेबल कंटेंट देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेन चीज बहुत प्रमोशन होगी स्टार्टिंग में ही। एक लास्ट चीज प्लीज बोलना चाहूंगा, लोगो पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि हम लोगो पे आके रिडीम कोड्स गिव अवे, जो भी नई चीज होते हैं फ्री फायर में उसका गिव अवे करते हैं, लिंक आपको टॉप में मिल जाएगी लोगो की, जाके प्लीज फॉलो कर लेना। और बस इतना ही कहूंगा, प्लीज यार फॉलो कर लो। आप सोच रहे हो भाई क्या हरामी बंदा है, वीडियो के स्टार्ट में सब कुछ प्रमोट कर दिया इसने अपना, प्रमोट करना जरूरी है यार, जाके प्लीज यार लोगो पे फॉलो करना मत भूलो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज जाके फॉलो कर लो यार। अब वहां पर दोपहर 12 बजे से लाइव आता है 4 बजे तक, 3 से 4 बजे तक, तो प्लीज यार फॉलो कर लेना। तो सबसे पहला कंपैरिजन जो है ना वो आप लोगों का दिमाग हिला के रख देगा। माइनक्राफ्ट जो है उसमें कोई भी खून खराबा नहीं होता है। आप सोच रहे हो भाई तो कहाँ फ्री फायर में खून खराब होता है। अब मैं आपको चीज बताता हूँ, ये ना आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया होगा और ये कोई नोटिस करेगा भी नहीं। देखो जो माइनक्राफ्ट है ना उसमें मतलब वो बच्चों वाला गेम है और वो कार्टूनिस्टिक फील भी देता है, तो रियल लाइफ के कंपैरिजन में छोड़ो। और वो ज्यादातर जो वीडियो है ना वो बच्चों को रिकमेंड होता है, जो किड्स होते हैं उनको माइनक्राफ्ट का वीडियो ज्यादा रिकमेंड होता है। फ्री फायर का वीडियो भी ज्यादा रिकमेंड होता है बच्चों को, बड़ों को, सबको होता है, लेकिन वो ज्यादा बच्चों को इसलिए नहीं होता है क्योंकि फ्री फायर गेम के अंदर ना वायलेंस होता है, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट वायलेंस लाइक्स मी, ये आपने डायलॉग सुना होगा ना KGF 2 में, बट वैसा ही है क्योंकि इसमें मेरे को गन्स की आवाज आती है, वायलेंस की निशानी है। खून खराबा होता है जब आप किसी को मार दे रहे हो, खून निकलता है, वायलेंस की निशानी है। किसी को हेड मार रहे हो, सर फोड़ रहे हो, वायलेंस की निशानी है। तो इस वजह से ना कहीं जो फ्री फायर के वीडियोस है ना वो कम रिकमेंड होते हैं यूट्यूब पे कंपैरिजन टू माइनक्राफ्ट। कंपैरिजन पॉइंट नंबर 2, आई एम 101% श्योर आप लोगों में से कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जिसे घर में मना करते हैं कि तू भाई फ्री फायर मत खेल। आई एम 101% श्योर, क्योंकि देखो बैटल रॉयल गेम्स का जो कह सकते हो नाम है ना काफी जरा बदनाम है। मगर क्यों, पहले के टाइम पे भाई काफी सारे कांड से BGMI क्रिएटेड, पबजी जब था ना तो भाई काफी मतलब बदनाम हुआ था वो, कि ये हो गया वो हो गया, फ्री फायर में से केसेस आते रहते हैं, वो दोनों को कह सकते हैं। बट कभी भी आप सोचना, कभी भी ये कर लो कि माइनक्राफ्ट केस कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। इंडिया में माइनक्राफ्ट खेलने वाले काफी ज्यादा है, बट कभी माइनक्राफ्ट के केस ना कभी सामने नहीं आएंगे। तो इसीलिए ना आपके पेरेंट्स ने कभी आपको ऐसा कहा होगा कि तो ये फ्री फायर पबजी ऐसा गेम मत खेला कर। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि फ्री फायर खेल रहे हो, तो फ्री फायर खेल रहे हो तो आपके घर वाले बोलेंगे तो पबजी मत खेल। लेकिन मैं 101% श्योर हूँ कि किसी घर पे ऐसा नहीं बोलेंगे कि माइनक्राफ्ट मत खेल। देखो माइनक्राफ्ट भी काफी ज्यादा फेमस है, माइनक्राफ्ट ने एक दो महीने पहले यूट्यूब पे 100 trillion व्यूज कंप्लीट किए, जो कि फ्री फायर तो उसके आसपास भी नहीं शायद। मतलब सोचो 100 trillion व्यूज किसको बोलते हैं भाई। और इसका पीछे का रीजन ये भी है कि है तो भाई फेमस माइनक्राफ्ट, लेकिन उतना सबके मुंह पे वो बात नहीं आती कि फ्री फायर पबजी, फ्री फायर BGMI, COD तो नहीं आता है बोलना, फ्री फायर BGMI, फ्री फायर BGMI ऐसे सबके मुंह में चलता है ना, तो माइनक्राफ्ट नहीं चलता है। पर अगर आपके घर वालों को पता भी चलेगा या माइनक्राफ्ट खेलते, आपको कभी मना नहीं करेंगे माइनक्राफ्ट मत खेल, क्योंकि वो कार्टूनिस्टिक गेम है, वो कभी इंसान के ना माइंड को हार्म नहीं करता है। पॉइंट नंबर 3, अब इन दोनों गेम्स में हमको ज्यादा मजे कौन देता है भाई, माइनक्राफ्ट खेलने में ज्यादा मजा आता है या फिर फ्री फायर खेलने में ज्यादा मजा आता है। अब देखो आप मानो या ना मानो, माइनक्राफ्ट भी अच्छा गेम है, फ्री फायर भी अच्छा गेम है, बट एक जो पॉइंट फ्री फायर को जाता है ना उसके पीछे का रीजन ये है कि आप फ्री फायर में कोई भी रैंडम के साथ खेल सकते हो, उसके मजे ले सकते हो, और आप अकेले खेल के बोर रहे हो तो आप पूरी स्क्वाड में भी खेल सकते हो। मेरे को पता है ज्यादातर मतलब एक से ज्यादा लोग हमारे हम टीममेट्स भी खेल सकते हैं माइनक्राफ्ट में, लेकिन उसमें माइक ऑन का ऑप्शन नहीं होता, आपको उसके लिए डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना पड़ता है, तो एक एडवांटेज होता है। आप ज्यादातर गेम अकेले नहीं खेल सकते, अकेले की बात करूं, लेकिन अगर आप स्क्वाड के साथ खेल रहे हो, अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो, तो वहां पे कहीं ना कहीं फ्री फायर आपको एक एडवांटेज देगा। लेकिन अगर आपके पास दोस्त नहीं है तो वहां पे तो जाहिर सी बात है फ्री फायर आपको एडवांटेज देने वाला है, और आप बहुत किल कर रहे हो गेम के अंदर, तो भाई खेलते जाओ बोर होगे ही नहीं, तो ये एडवांटेज वाला पॉइंट है। तो मेरे को पता है ये आपको थोड़ा दिमाग में डाल देगा, बट हाँ यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉइंट फ्री फायर को जाता है। अब एक पॉइंट ये भी बताता हूँ कि हमारा जो गेम है ना, कोई भी गेम ले लो, बैटल
रॉयल गेम के मामले में आप कोई भी गेम ले लो, कोई भी गेम ले लो, पबजी ले लो, सीओडी ले लो, कोई भी गेम ले लो, पबजी क्या यार बीजीएमआई है वो, सॉरी मैं पबजी बोलता हूँ उसको, तो कहीं ना कहीं अपने को मेंटली हार्म करता है। हाँ हर गेम हार्म करता है भाई अगर आप खेलोगे तो, लेकिन ज्यादा कम ऊपर नीचे बोलो ना तो जो बैटल रॉयल गेम्स होते हैं ना वो थोड़ा सा ज्यादा हार्म करते हैं अपने माइंड को। और हाँ बैटल रॉयल खेलने के फायदे भी होते हैं, जैसे कि आप खेलोगे ना तो आपका माइंड शार्प होगा और काफी सारी चीज होती है भाई, जैसे कि आपका कन्वर्सेशन स्किल को इंक्रीज करेगा, रैंडम लोगों से बात कैसे करना है वो आपका गेम इंक्रीज करता है, बैटल रॉयल गेम काफी सारी चीजें इंक्रीज करती है। बट वही बात करें माइनक्राफ्ट की तो वो सब इंक्रीज नहीं करता है, तो हमें पॉइंट ना दोनों एकअप हो जाएगा। देखो हार्म करता है अपने ब्रेन को वो बैटल रॉयल गेम है, लेकिन अपने को अंदर अंदर फायदा भी दिलवाता है। तो एक तरफ देखो माइनक्राफ्ट तो अपने को फायदा नहीं दिलवाता कन्वर्सेशन स्किल में या फिर माइंड शार्प करने में, लेकिन अपने ब्रेन को उतना हार्म भी नहीं करता, दोनों दोनों को पॉइंट पॉइंट जाता है। अब देखो यहाँ पे इतना सारा कंपैरिजन कर दिया है जबकि दोनों गेम अलग अलग है, फिर भी भाई अपन इतना कंपैरिजन कर लिया है, मजा आया। तो आप लोग क्या लगता है क्यों कौन जीता? अब भाई जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं मैंने वहां पे कहीं भी एक पॉइंट नहीं बोला है, बट स्टार्टिंग से लेकर जिसने अभी तक जिसने भी बंदे ने अभी तक ये पूरा वीडियो देखा है वहां पे मेरे को कमेंट करके बताओ कि दोनों में से कौन जीता पॉइंट्स के मुकाबले। मेरे को पता है लेकिन मैं आप लोगों के साथ क्विज खेलना चाहता हूं कि माइनक्राफ्ट को कितने पॉइंट्स मिले और फ्री फायर को कितने पॉइंट्स मिले, और कमेंट जरूर करना, मैं आपको कमेंट का वेट कर रहा हूं। हमारे बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, स्क्रीन में आपको हमारे बाकी चैनल नजर आ रही होंगी, और हमारे लोगों को फॉलो करना मत भूलना यार। मैं स्ट्रीम करूंगा, मैं अकेला स्ट्रीम नहीं करना चाह रहा, मैं आप लोगों के साथ स्ट्रीम करना चाहता हूँ, इसलिए यार आ जाओ लोगों पे, एंड प्लीज कर लेना भाई, आपकी गिव अवे होगा वहाँ पे, और अगर ज्यादा जानकारी लेना है तो ये वाला वीडियो देख सकते हो, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।